जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज चैप्टर 12 ऑफ क्लास 11, दैट इज वर्ल्ड क्लाइमेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव। इसमें कॉपन क्लासिफिकेशन भी समझाई है और वर्ल्ड क्लाइमेट अलग अलग के बारे वहाँ पर समझाया गया। अगर आप लोगों ने मेरे साथ वर्ल्ड क्लाइमेट्स डिस्कस किए हुए हैं देन यू ऑलरेडी नो एंड अंडरस्टैंड। एनसीईआरटी में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा सिंबल्स के साथ ये चीज़ें, लेकिन अगर हम वर्ल्ड क्लाइमेट अलग से पढ़ें प्रॉपरली, वहाँ पर चार चीज़ें देखते थे क्लाइमेट में, टेम्परेचर, रेनफॉल, वहाँ पर वेजिटेशन कौन सी मिलती है, तीसरा लोकेशन कौन सी है, और ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमी कैसी है। ये चार चीज़ें हमने समझी थी हर क्लाइमेट की, राइट। इसके अलावा वर्ल्ड क्लाइमेट का कॉपन क्लासिफिकेशन अलग से हमने समझी थी, कौन सा सिंबल क्या इंडिकेट करता। तो कॉपन क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर दी हुई है, उस चीज़ को भी समझेंगे। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व डाटा पर्टिकुलरली ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। जेनेटिक क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज क्लाइमेट्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेस। कॉपन क्लासिफिकेशन विच इज़ मोस्ट वाइडली यूज एज एन एम्पेरिकल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन स्कीम। वी कॉपन ही आइडेंटिफाइड रिलेशन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। सर्टन वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन रिलेटेड दैम टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीन एनुअल एंड मीन मंथली टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन डाटा। ही यूज द यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, यही हमने देखने हैं जी, टू डिजिग्नेट क्लाइमेट ग्रुप्स। 1980 एंड मॉडिफाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और स्टिल पॉपुलर है ये, आपके पेपर में कॉपन क्लासिफिकेशन आती रहती है। पाँच मेजर ग्रुप्स हैं, फोर ऑफ देम आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर, वन ऑन प्रेसिपिटेशन। उनको डेजिग्नेट किससे किया जाता है, कैपिटल लेटर से, ए सी डी एंड ई। ए आपको बताया मेगा थर्मल एरिया, सारा जो सबसे गर्म इलाका इक्वेटोरियल एरिया और ट्रॉपिकल एरिया ए से, टेम्परेट एरिया को सी से डेजिग्नेट किया जाता है, डी को ठंडा और ई को उससे भी ठंडा। तो ये तो हो गए चार क्लाइमेटिक कंडीशंस, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। देन इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑन द बेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, सीजनैलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। वहाँ पर आते एफ एम डब्ल्यू एस। एफ का मतलब है कोई ड्राई सीजन है ही नहीं, पूरा साल बारिश है। एम का मतलब है मॉनसून क्लाइमेट। डब्ल्यू का मतलब जो है वो ड्राई होगा, विंटर ड्राई। अगर एस है तो समर ड्राई सीजन। उसके बाद कुछ छोटे लेटर्स हैं ए बी सी एंड डी, दैट इज सिवेरिटी, डिग्री ऑफ सिवेरिटी ऑफ टेम्परेचर। अगर बी आपको मैंने बताया गया, ए सी डी ई हमने बात की है, जो बी है वो ड्राई क्लाइमेट को इंडिकेट करता है। यूजिंग द कैपिटल लेटर एस फॉर स्टेपी एंड डब्ल्यू फॉर डेजर्ट, ये भी याद रखना है। द क्लाइमेटिक टाइप्स आर क्लासिफाइड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन दिस थिंग। इसी प्रकार ये सारे अगर आप देखो, ट्रॉपिकल में ए आएगा, बी ड्राई क्लाइमेट में, उसको फर्दर डिवाइड कर दिया बी एस डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब आप सभी को पता चल चुका है, डेजर्ट है, वेट से उल्टा ऑपोजिट। और एस का मतलब है सेमी एरिड, स्टेपीज टाइप जिसको कहते हैं, फिर स्टेपीज टाइप और फिर डेजर्ट। इसी प्रकार ड्राई क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट, ये सब देखेंगे अभी। सबसे पहले ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स की बात करें, जो ट्रॉपिकल एरियाज में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द प्रिंस ऑफ आई टी सीजन मेक द क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड। एनुअल रेंज इज वेरी लो एंड एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई, ये चीज याद रखना है। एनुअल रेंज का मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, वो रेंज होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो पूरा साल अगर बारिश हो रही है तो नेचुरली सेम तकरीबन बारिश हो रही है, तो रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम बहुत कम होगा। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, आम बंदे को ये चीज समझ नहीं आती एनुअल रेंज इज लो का मतलब क्या। सेम वे एनुअल रेनफॉल बहुत हाई है क्योंकि सालाना बारिश को देखे 250 से 300 सेंटीमीटर है। इसमें हमने तीन टाइप्स ऑफ डिस्कस किए हैं, ए एफ ट्रॉपिकल वेट, ए एम ट्रॉपिकल मॉनसून, और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ये ए एफ मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, वो है हमारा इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल वेट उसी ए में आता है, बीच में इक्वेटोरियल रीजन। ए एम आता है हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है, और ए डब्ल्यू ये बाकी सारा जहाँ पर विंटर्स आर ड्राई, वेट एंड ड्राई वाला। तो ए एफ आपको बताया गया इक्वेटर के आसपास अमेजन बेसिन ये सारा, रादर इसमें शायद वेजिटेशन के बारे में इन्होंने दिया कि नहीं। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर,
और बारिश कौन सी होती है, थंडर स्टॉर्म्स मीन्स कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल। पूरा साल सेम टेम्परेचर और रेंज इज़ वेरी लेस, ऑब्वियसली मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री तक, मिनिमम 20 डिग्री तक। एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पर, डेंस कैनपी एंड लार्ज बायोडिवर्सिटी। अगर आपको याद हो एबनी, महागनी और रोजवुड जैसे ट्रीज लगते हैं, और इस वेजिटेशन को हम इस एरिया में क्या कहते हैं, सेल्वास। ये जीसी लियोंग में दिया और ये क्वेश्चन आपके पेपरों में आते हैं, इसलिए मैं साथ साथ बताता रहूँगा वो चीज़ें जो मिसिंग है यहाँ पर। मॉनसून इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स यू विल फाइंड दिस क्लाइमेट। हैवी रेनफॉल मोस्टली इन विंटर, ये पॉइंट टू बी नोट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। विंटर इज ड्राई एंड द डिटेल क्लाइमेट अकाउंट इज गिवन इन इंडियन एनवायरमेंट। आगे वेट एंड ड्राई क्लाइमेट नॉर्थ एंड साउथ ऑफ ए एफ टाइप। What is with dry climate on the western part, east taraf, and CF and CW on the eastern side part. Extensive AW is found to the north and south of Amazon forest and adjoining parts of Bolivia, Paraguay, this thing. Annual rainfall is considerably less than the AF and AM climates is variable. The wet season is shorter and the dry season is longer than the drought. Temperatures high throughout the year, diurnal range are greatest in the dry season. यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे। अब आता है बी क्लाइमेट जिसको कहते हैं बिल्कुल रेगिस्तान, वेरी लो रेनफॉल विच इज नॉट सूटेबल फॉर प्लांट्स आल्सो। लार्ज एरिया ऑफ द प्लैंड अक्रॉस 15 टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, 15 टू 30 डिग्री दे अकर इन द सब ट्रॉपिकल हाई वेयर एज द सबसिडेंस एंड इन्वर्जन डू नॉट रेनफॉल। ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एडजॉइनिंग द कोल्ड करंट, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने मैप में भी आपको क्लासेज में दिखाया था, पर्टिकुलरली ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका दे एक्सटेंड मोर इक्वेटरवर्ड्स एट द कोस्ट लाइन। इन मिडिल एटीट्यूड 35 टू 60 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ विकेट दे आर कन्फाइंड इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट, इसको कॉन्टिनेंटी इफेक्ट अंदर सऊदी अरेबिया ये वाले जो अरेबियन डेजर्ट दे आर ड्यू टू कॉन्टिनेंटी इफेक्ट डू नॉट रीच, और बाकी वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ट्रॉपिकल एरियाज। तो बी से इंडिकेट करते हैं, एक बी एस होगा एक बी डब्ल्यू होगा, डेजर्ट टाइप को बी डब्ल्यू से, अगर डेजर्ट में ग्रासलैंड्स है तो सेमी एरिड बी एस टाइप। इसी प्रकार फर्दर इसको डिवाइड करेंगे बी बी एस एच और बी डब्ल्यू एच। तो सब ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, लोकेटेड इन द ट्रांजिशन जोन बिटवीन ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल स्टेपी रिसीव्स स्लाइटली मोर रेनफॉल देन द डेजर्ट, एडिक्वेट इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पार्स ग्रासलैंड। यहीं पर आपको पता है सवानाज है, सवाना को हम इससे इंडिकेट करेंगे, एंड दे वेरिएबिलिटी इन द रेनफॉल अफेक्ट्स लाइफ इन मच देन द स्टेपी। रेन अकर्स इन द शॉर्ट एंड डेंस थंडरस्टॉर्म्स इन डेजर्ट एंड दिस थिंग। Fog is common in the coastal deserts bordering the cold climates. इसी प्रकार वार्म टेम्परेट की बात करूँ क्लाइमेट में सी, यहाँ पर तीन प्रकार के वार्म टेम्परेट में होगा। वार्म टेम्परेट मीन्स 30 to 45 के बीच में, एक तो मेडिटेरियन क्लाइमेट होगा, एक हमारा ह्यूमिड ट्रॉपिकल होगा सब ट्रॉपिकल और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, नो ड्राई सीजन एंड विंटर माइल्ड, जो कि इस तरह, और ये ड्राई इन विंटर एंड हॉट इन समर दैट इज दिस वन। इसमें अगर बात करें बोलवर्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अकर इन द मेन लैंड ऑफ दिस पार्ट एंड दिस इज सिमिलर टू ए डब्ल्यू क्लाइमेट। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रखा है इस क्लाइमेट्स में, मैंने इसको प्रॉपरली हर क्लाइमेट को अच्छे से डिस्कस कर रखा, वहीं से हमेशा क्वेश्चन है, कोई भी आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। 30 to 45 वेस्टर्न मार्जिन तकरीबन, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। विंटर्स में बारिश होती है, समर्स आर ड्राई। विंटर्स में बारिश क्यों होती, क्योंकि वेस्टर्ली के कारण, ये चीज़ भी हमने शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बात भी की थी। और यहाँ पर वेजिटेशन बात करें, ऑलिव सिट्रस फ्रूट्स ये लगते हैं जहाँ पे वाइन बनता है, विटीकल्चर। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट लाई ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द सब लैटिट्यूड्स। ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सदर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, ये सारे एरियाज हैं जहाँ पर प्रेसिपिटेशन 75 से ये इतना, इस बारे भी बात करेंगे जी।
उसके बाद मैराइन वेस्ट कोस्ट, डी इज़ द कोल्डेस्ट वन राइट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ 40 to 70 डिग्री। सो इसमें भी दो पार्ट्स हैं, डी एफ कोल्ड विद ह्यूमिड विंटर, डी डब्ल्यू कोल्ड विंटर विद ड्राई विंटर। सो कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर्स जहाँ पर बारिश होती है, कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स में भी आप चेक करोगे पोल बड़ी ये चीज़ें। इसमें मैं एक ही चीज़ कहूँगा जी, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल, इट्स वेरी ईजी, ये आपने याद रखने ए सी डी ई और बी, बी इज़ फॉर ड्राई, बाकी छोटे लेटर एस डब्ल्यू एफ और एम आपके 99% पी वाई क्यूज एन डी ए के सी डी एस के सी एफ एफ के सब सॉल्व हो जाएंगे इफ़ यू ट्राई टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। ये ट्रॉपिकल एरियाज़ के लिए, ये टेम्परेट, ये ठंडे इलाकों के लिए, उनके साथ आपको ये इंडिकेट करने हैं, दैट्स इट। इस पे जितना आप पढ़ेंगे और कन्फ्यूज़ होंगे बिकॉज दे हैव गिवन नथिंग लाइक पीपल गेट मोर कन्फ्यूज, बट आई एश्योर यू दिस टॉपिक ऑफ क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड आई हैव डिस्कस वेरी एक्सटेंसिवली विद यू पीपल इन द क्लासेस, इवन द वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल ऑल्सो, डू चेक इट आउट, अदरवाइज दे आई हैव टोटली कन्फ्यूज यू विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग, कि कौन सा सिंबल कौन से, इतने भी याद भी नहीं करने आपको सिंबल, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। टुंड्रा क्लाइमेट में मॉसेस लिकन्स लगते हैं राइट, ताइगा क्लाइमेट टुंड्रा ये सब पता होनी चाहिए, दैट विल बी सफिशेंट फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर है जी, और यही चीज़ें हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम पे। एक बार ये ज़रूर रीड करिएगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि रीड नहीं करना, ट्राई टू हैव अ चेक ऑन दिस थिंग व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, बट अदरवाइज ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड वेरी एक्सटेंसिवली। उधर से क्लाइमेट चेंज में इन्होंने कॉजेज़ क्या क्या बताए हैं, कुछ कॉजेज ये बताएँ कि कुछ नेचुरल जिसको कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज, जो सन स्पॉट्स के कारण बता रहे हैं, सोलर आउटपुट कम होती है कभी बढ़ती है, सन स्पॉट्स द डार्क एंड कूलर पैचेस ऑन द सन विच इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द साइक्लिक मैनर। अगर सन स्पॉट्स बढ़ जाए, कूलर एंड द वेटर वेदर एंड ग्रेटर स्टॉर्मिनेस अकर, अगर कम हो सन स्पॉट्स फिर वार्म एंड ड्राई सीजन आता है। इसी प्रकार एक और थ्योरी है मिल्कोविन ऑसिलेशंस, इनफर साइकिल्स एंड द वेरिएशन इन द अर्थ ऑर्बिटल इलेक्ट्रिक करेक्टरिस्टिक्स अराउंड द सन, कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो भी चेंज होता है, वॉबलिंग ऑफ द अर्थ एंड चेंजेस इन द अर्थ एक्सियल, इससे भी ये चीज़ें चेंज होती हैं। तीसरा वॉल्केनिज्म भी है, जब भी इरप्शन होगी उससे भी अर्थ का तापमान बढ़ेगा, ये चीज़ें बात की। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन बींग से कनेक्टेड, वो है ग्रीन हाउस गैसेस, ट्रेंड बढ़ता जा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा, फिर इन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पूरा समझाया, जो हमने एटमॉस्फेयर टॉपिक में भी पूरी तरह मैंने समझाया भी था, और ये क्वेश्चन रिसेंटली आया भी था कि ग्रीन हाउस गैसेज एक तरह की शीट है जो अलाउ कर देंगी शॉर्ट वेव रेडिएशन को, लेकिन जब रिफ्लेक्ट बैक टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाएंगी उनको रोकने का काम करेगा, इससे तापमान बढ़ता जाएगा। और ये ग्रीन हाउस गैसेस है कौन कौन सी प्राइमरी, ये आपको पता होना चाहिए, CO2, CFCs भी हैं, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कुछ और गैसेस नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, दे आर बेसिकली पोल्यूशंस, बट दे व्हेन दे रिएक्ट विद देम इंक्रीज करेंगी कंसंट्रेशन। सो अगर उनका मैग्नीट्यूड बढ़े उससे होगा, उनका लाइफ टाइम एटमॉस्फेयर में कितना टाइम तक टिकती हैं वो भी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं, और वेवलेंथ कितनी अब्जॉर्ब कर रही हैं, ये तीनों चीज़ों से डिसाइड होता है। CFCs आर हाईली इफेक्टिव, ओजोन विच इज अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज इफेक्टिव व्हेन इन अब्जॉर्बिंग टेरेस्ट्रियल व्हेन इट इज प्रेजेंट इन लोअर ट्रोपोस्फीयर, अगर ये नीचे आ जाए तो एब्जॉर्ब भी करता है और ये ग्रीन हाउस गैस का भी काम करेगा। इज मोर टाइम द GHG मॉलिक्यूल रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर द लॉन्गर इज द इट विल टेक अवर एटमॉस्फेरिक सिस्टम टू रिकवर फ्रॉम एनी चेंज। लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन GHGs में कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो फॉरेस्ट होते थे जो कि ओशियंस वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते थे, बट विद द क्लियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग। फिर इन्होंने CFCs के बारे दिया है कि जो CFCs जब ओजोन में होंगी तो दे रिएक्ट विद द ओजोन और उससे ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है और उससे क्या होता है सोलर रेडिएशन रीच कैंसर कॉजिंग।
The large depletion of ozone occurs over the Antarctic. The depletion of ozone concentration in the stratosphere is called ozone hole. क्योटो प्रोटोकॉल भी याद रखे जो 1997 में रेटिफाइड बाय 141 नेशंस, वेयर द नेशंस ने प्लेज किया था कि जीएचजी गैसेस को कम करना. द इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द कंसंट्रेशन ऑफ जीएचजी इन एटमॉस्फेयर में इन द लॉन्ग रन वार्म अप द अर्थ. अगर एक बार ग्लोबल वार्मिंग सेटन हो गया इट विल बी डिफिकल्ट टू रिवर्स इट. तो यही चीज़, राइज इन द सी लेवल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर आइस कैप्स, एक्सपेंशन ऑफ सी में इनंडेट लार्ज अमाउंट ऑफ कोस्टल एरिया. तो ऑलरेडी एफर्ट्स हैव स्टार्टेड, टेम्परेचर डेटा अभी भी बता रहा पड़ता जा रहा है, ये कुछ नहीं पूछने वाला है. आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग. तो ट्राई टू चेक आउट ऑल दीज PYQs ऑल्सो. मेन इस टॉपिक इस चैप्टर का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन था, कॉपन क्लासिफिकेशन. बाकी क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड मैंने बहुत अच्छे से आपको जीसी लियोंग के हर आखिरी जो चैप्टर है 13 चैप्टर उनको अच्छे से समझाया हुआ है, उनको चेक करिएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. जय हिंद.